हेलो पबजी लवर्स, तो कैसे आप लोग? आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं रैंक पुश कर रही थी ड्यूओ में। जैसा कि आपने शुरू में क्लिप देखा और थंबनेल देखा, उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। और मेरा रैंक पुश नहीं हो पाया, बीच में रुक गया। मैं क्राउन 1 के 40 पॉइंट पे थी, ठीक है, और मेरी रैंक 400 समथिंग थी। मुझे 2 स्टार लगाने थे, बट मेरा पार्टनर और ये हैकर्स, इन दोनों की वजह से मेरा रैंक पुश रुक गया। पार्टनर्स के बारे में कुछ कहने नहीं चाहूँगी क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, और हैकर्स के बारे में ज़रूर कहना चाहेंगे क्योंकि वो मादर डस डस है। तो इसलिए मैं आज उन पर वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप बस देखना, ठीक है। मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि और इसमें से एक बंदा बैन भी हुआ है, तो आप उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और किस जो बंदा बैन हुआ है मैं उसके बारे में ज़रूर दिखाऊंगी और उसका वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगी अलग से, ठीक है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरी रैंक ये मैंने तो दिखाने के लिए किया है सिर्फ, क्योंकि मैंने 2 दिन छोड़ने के बाद मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। तो पहला नंबर पे है ये, जो कि हम जब प्लैटिनम या डायमंड प्लैटिनम पे थे तब की बात है ये, ठीक है। ये इन्होंने फ्लेयर चलाई थी और ये स्कूल के अपार्टमेंट के पास, ठीक है। हम वेट कर रहे थे कि ये बंदा इधर से क्रॉस करेगा तब हम उन पर फायर करेंगे, बट ये गलती हमारी थी, ये हैकर्स थे, हमें नहीं पता था, ठीक है। इसके टीममेट को हमने नॉक फिनिश डाल दिया, क्योंकि जो कि नॉर्मल बंदा था। और ये रहा हैकर, ये रहा मैजिक बुलेट, और मैं हो गई नॉक। अब बस देखो कैसे मारता ये हमें, मतलब हम अगर हम कोई भी हैकर्स के सामने तुम नॉक हो जाते हो तो उनसे बचना नामुमकिन है, तुम बच ही नहीं सकते। तुम 2 मिल के एक हैकर्स को मार सकते हो, ठीक है, वो भी क्लोज में मार सकते हो, दूर में तो कोई चांस ही नहीं है मारने का उनको। तो एक नंबर तो ये, दूसरा नंबर है, ठीक है, ये हंटर द किल। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि ये बंदा बैन हुआ है, ठीक है। अब देखो अब बस कैसे इसका मैजिक बुलेट काम करता है। ये नॉक हो गया, क्रॉस शेयर भी नहीं है, एम बोट मैजिक बुलेट सब लगा के आते हैं। इनकी गलती नहीं है, ये BGMI वालों की गलती है, वो बैन पहला नहीं रहे, गेम बना लेते उनसे संभलता ही नहीं है। तीसरा ये हैकर है जो कि नाम है शिंजो ओपी। ये बंदा क्या ही, मतलब मैं बता नहीं सकती इतना गुस्सा है। सबसे पहली बार मैंने इसको देखा था, मतलब हमसे इसकी 3 बार मैचिंग हुई है, 3 बार, ठीक है। और ये बंदे के देखो क्या कॉन्फिडेंट तरीके से मार रहा है। अब वो जाएगा वहाँ पे भी मार देगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही घटिया इंसान है, आप चाहे इसे बैन करो ना करो, रिपोर्ट करो, ये रिपोर्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। ये चौथा नंबर है क्लच पंकज, ठीक है। नाम तो ऐसे रखते भाई साहब कितने लेजेंड प्लेयर हो, बट हरकतें देखो नूब वाली। ये भी पेट पुश रैंक पुश करवा रहा था, ठीक है। तो अब देखो कैसे मारता है मुझे, इसको सब पता होता है। इसकी KD है 3 की, देखो मतलब 3 की KD मेंटेन नॉर्मल है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, ठीक है, डायमंड तक मैं क्राउन तक आई थी 3 की KD के साथ, फिर मेरी KD, क्योंकि हम गन फाइट लेते ही नहीं थे, मतलब फ़ाइट ही नहीं लेना, हम जाते ही नहीं थे। अब देखो इससे पता पहले चल गया कि मैं आगे जा रही हूँ। इन्होंने AK M4X चलाया। अब 5वां है ये सबसे बड़ा हैकर, मैंने पहली बार देखा था अपने गेम में। आपको लग रहा कि ये मैंने एडिटिंग किया, हैक है। और ये बंदे को देखो कैसे मारता है, आर पार पत्थर के आर पार मार देगा, ख़त्म गोल्डी। इससे भी हमारे 2 बार मैचिंग हुई है, इससे मैं मरी थी, बट इसका मैं शौक रख गई थी ये इसका स्पीड हैक देख के। तो आप चाहे तो इन बंदों को बैन करवा सकते हैं, मैंने ID मेंशन कर दी है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने एक को किया है तो मतलब किया तो मैंने बहुत लोगों का, फिर बाद में मैंने रिपोर्ट ही करना छोड़ दिया, ठीक है। ये हंटर द किल है, ये बैन हुआ था मेरे मतलब बैन करने से, बट आप करते रहे, जब तक बैन पेंड नहीं आता तब तक इनकी मर्ज़ी चलेगी ही, ये बैन होने वाले नहीं हैं। फिर भी आपके तसल्ली के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था तो एक बंदे ने कहा था कि आप ID मेंशन करो, हम रिपोर्ट करेंगे, तभी मैंने ये स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट किया है। तो आप
बट हाँ, इस आईडी को आपको रिपोर्ट करना है, ये मेरी तरफ से प्लीज़। आप इस आईडी को प्लीज़ रिपोर्ट करें एज ए अब्यूज़ और गेम, मतलब हैकर तो है ही, बट एज ए अब्यूज़ भी आप कर सकते हो उसे, ठीक है? तो प्लीज़ उस आईडी को बैन करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।